नमस्कार दोस्तों, SRS एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आइए कंपेयर करते हैं, लास्ट दो दिन में दो ट्रेलर रिलीज़ हुई है। एक है 2.0 रजनीकांत और अक्षय कुमार की मूवी, और दूसरी शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ की जीरो मूवी के बारे में। दोनों ट्रेलर तगड़े हैं और दोनों ही रिलीज़ होने के वाली जो डेट है वो अलग अलग है। जैसे कि आप, मैं बता दूँ कि 2.0 रिलीज़ हो रही है 29 नवंबर को और जीरो रिलीज़ हो रही है 21 दिसंबर को। ये दोनों के रिलीज़ डेट में फ़र्क इतना ही है कि जीरो को थोड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि जीरो के बाद तुरंत सिम्बा रिलीज़ होने वाली है, जो रणबीर सिंह की है और इसमें रोहित शेट्टी डायरेक्ट किया है। और 2.0 जब रिलीज़ हो रही तो उसके बाद दो हफ्ते तक कोई मूवी रिलीज़ नहीं हो रही, तो इसे बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा समय मिलेगा। और यहीं शाहरुख खान के साथ सिम्बा टकरा रही है तो शायद जीरो को फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर हम बजट की बात करें तो 2.0 का जो बजट है वो है 543 करोड़ का, वहीं जीरो का जो बजट हुआ है वो 300+ करोड़ के आसपास हुआ है। और इस हिसाब से बजट पॉइंट ऑफ व्यू से 2.0 आगे है, लेकिन जब कलेक्शन और हिट और फ्लॉप की बात आती है तो बजट जितना कम होता है तो चांसेस हिट होने के उतने ज़्यादा होता है। तो इस मामले में जीरो शायद हिट होने के ज़्यादा करीब है, लेकिन मैं नहीं कहता कि दोनों फ्लॉप होने वाली है। दोनों पिक्चर हिट हो सकती हैं क्योंकि दोनों अलग सेगमेंट की मूवी है। इसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने के लिए ज़्यादा समय मिला है 2.0 को, क्योंकि ये 14 लैंग्वेज में भी रिलीज़ हुई है और जीरो सिर्फ हिंदी वर्जन में रिलीज़ हुई है। तो इस हिसाब से देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में। आपको क्या लगता है, कौन टक्कर दे सकता है? थैंक